पहना है कुर्ता, ये देखिए। मेरा भी YouTube चैनल है। हाँ, इसका भी एक YouTube चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या है बता दो। हमारी आज की थाली। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सीता जोशी ब्लॉग में। सो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ पंतनगर से। आप लोग मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हो, थोड़ा चेंज है आज। तो मैंने साड़ी पहनी हुई है और आज हम आए हुए हैं अपने ताई जी के घर। यहाँ पे कथा है तो उसका आयोजन है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और बाकी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, ऊपर आप देख सकते हो बादल बादल हैं, हवा तो नहीं चल रही। बहुत ख़राब। तो यहाँ पर पता नहीं धुआं धुआं किसने लगा रखा है। पीछे मैं आपको दिखाती हूँ, लीची भी हो रखी है। सब लोग यहाँ पे पंडित जी का वेट कर रहे हैं। 3:30 हो गए हैं, बस पंडित जी आएंगे उसके बाद कथा स्टार्ट होगी। तो आगे ब्लॉग में बनी रहिएगा, ठीक है। तब तक मैं आपको यहाँ का बैकग्राउंड दिखाती हूँ। ये देखिए लीची का पेड़ है, इसमें बहुत सारी लीचियाँ हो रखी हैं ये। और आसमान आप देख सकते हो पूरे बादलों से भरा है, और वो भी हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, गड़गड़ाहट। यहाँ पे आम हाय करो। तो आज मेरे हस्बैंड जी ने भी पहना है कुर्ता, ये देखिए। और नाइट ड्यूटी करके आए हैं बेचारे, सोए भी नहीं ढंग से। ये देखो इनका पूरा लुक दिखाती हूँ मैं आज आपको। दोस्तों मैं आपको मिलवाती हूँ, नाम बताइए अपना। रिदम। रिदम, इसका नाम है रिदम अरोरा। ये पहले भी मेरे ब्लॉग्स में आ चुका है, और मेरा भांजा है। भांजा या भतीजा, हाय बोलो सबको। हाय। मेरा भी YouTube चैनल है। हाँ, इसका भी एक YouTube चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या है बता दो। रिदम अरोरा। रिदम अरोरा। रिदम अरोरा यही है। अच्छा, यही रिदम अरोरा। हाँ, आर ए गेमिंग, ठीक है। गेमिंग वाला चैनल भी, उसको बताऊंगी, बट अभी रिदम अरोरा है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी नहीं, रिदम अरोरा ब्लॉग आ रहे गेमिंग। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए बाय कर दो। बाय गाइस। हाँ, अभी मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। मैं आपको बंदी नहीं करूंगा। नहीं, अभी मैं वो कर दूँ ना, मैं भार्गव से मिलाती हूँ आप सबको। आ जाओ दीदी, मैं अच्छे से मैं सब कौन है भार्गव, ये दीदी का बेटा है, मैं आपको बता देती हूँ। यही दूसरा दीदी का बेटा है, सबसे छोटा वाला, इसका नाम भार्गव है। हाय बोल दो भार्गव। हाय बोलो भार्गव। भार्गव मैं जाऊँ। हाय बोल दो भार्गव मैं जाऊँ। नहीं, अभी वो व्लॉगिंग कर रहा है वो। हाय करो ना, करो हाय, फिर चिट्ठी खाओगे। और मैं यहाँ पर दो बिल्लियाँ दिख गई है देखो, और एक छोटी बिल्ली भी है। मैं जाऊँ। चलो मैं जा रहा। अच्छा मैं जा रहा। भाग गया। ये देखिए गाइस, बारिश आ चुकी है यहाँ बहुत तेज, देख सकते हो आप। मौसम खराब भी हो रहा था, अब दिखा दो आपको। ये चिंता दीदी और ये भार्गव उनका बेटा, ये तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। तो अभी हम लोग कथा करेंगे, उसके बाद फिर मिलूंगे आप लोगों से। शुभंगो विदे कुजग्म अग्निजुवाद्रादरसनुनासो यतरोनो मरियारी आयुधश्रादम महंग भगवान जी को दया आ गई, बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण को बता दिया है, मेरे भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, महाराज सारा वृत्तांत बता दिया। ब्राह्मण देवता दूसरे दिन जब भिक्षावृत्ति के लिए जाते हैं, खूब अन्न धन दक्षिणा सब आ जाती है, भगवान सत्यनारायण का पूजन होता है, इस लोक में सुख, अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी नगर में एक लकड़हारा रहता है, लकड़ी बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।
यानी पानी प्यास लगी, ब्राह्मण के घर में पहुंचे पानी पीने के लिए, देखता पंडित जी की तो टूटी झोपड़ी, यहाँ तो सुंदर घर बना हुआ है। जब लक्कड़ आना लकड़ी बेचने बाजार में जाता तो पंडित जी भी भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे, धोती फटी रहती उसमें फिर टल्ली लगी। अब बेटा बहुत बढ़िया समय में हो रही है, अब आरती है। सो गाइस कथा यहाँ पे हो चुकी है और यहाँ पे जीजा जी बांटने लग गए हैं सबको चरणामृत, और यहाँ पे सभी लोग अभी पूजा से बस उठे ही हैं, अब आगे की जो खाने पीने की तैयारियों में लगे हुए हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी यहाँ पे बैठे हैं और प्रसाद खा लिया उन्होंने, उनको दे दिया है। फिर मैं कह रही थी इधर कैमरे में देखो, देख ही नहीं रहे थे, तो मैंने कहा इधर देखो थोड़ा। बाकी यहाँ यहाँ पे चित्रा दीदी बांट रही हैं हमको चरणामृत और प्रसादी, और यहाँ पे तो दिन भर हमारा व्रत था, तो व्रत के बाद जो कथा के बाद हमने चरणामृत पिया तो इतना आनंद आया कि आप पूछिए मत दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा पी के। तो यहाँ पर भी हम चरणामृत पी के बस गिलास उधर रखा है, आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे ताई जी और मम्मी बांट रहे हैं प्रसाद, मतलब पुड़िया बना रहे हैं सबको बांटने के लिए, आस पड़ोस के लिए भी और पंडित जी के लिए भी यहाँ पर पुड़िया बनाई जा रही है। और बाकी कथा तो हो गई है अच्छे से सम्पन्न, बाकी ये देखिए गाइस यहाँ पे पूजा हो चुकी है और अब बुआ यहाँ पे आटा गूंदने लग गई, ये देखिए। उसके बाद बनेगा खाना, सब्जी वब्जी तो सब ताईजी लोगों ने बना के सब तैयार कर रखी है पहले ही, आगे यहाँ पे आटा गूंद रहा है अभी, उसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम होगा, फिर मिलेंगे आपसे। ताई जी क्या कर रही है, ताई जी यहाँ पे सब्जी जो बना रखी है अभी उसे गर्म करी क्योंकि थोड़ी ठंडी हो गई है ना। बाकी यहाँ पे चाय भी बन ली है साथ साथ, और बाहर पंडित जी ने पूजा कर ली है, फिर दिखाऊंगी आपको। तो दिखेगा वो। सो गाइस अभी हम लोग बना रहे हैं पूजा और यहाँ पे बुआ छान रही है पूरियों को और फटाफट मैं बेल दे रही हूँ, ठीक है। ताई जी हमने अपने कामों में लगी है बाहर, वो पंडित जी की विदाई करने में लगी हुई है, तो ठीक है गाइस आज मतलब आगे को जो भी होगा आपको शेयर करूंगी, आप लोग मिला करी दोस्तों खाना खा लेते हैं। ये रही हमारी आज की थाली, सो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं, अभी भी घर आए हैं, जस्ट रास्ते में हमको बारिश भी लग गई थी वहां से आते आते, तो अभी बज रहा है टाइम, देखती हूँ कितना हो रहा है करके 8:48 हो गया, घर पहुंच चुके हम लोग। अभी इन्होंने ड्यूटी भी जाना है आते ही, पता नहीं इनकी भी दौड़ा भागी ऐसी हो रही है ड्यूटी ड्यूटी, तो नाइट ड्यूटी तो अभी हम वहाँ से आए, तो अभी इनकी 10 बजे से ड्यूटी भी, मेरा तो सर दर्द हो गया सुबह से, एक तो व्रत था ना इनका व्रत था, तो अभी खाना वाना खा के हम लोग आए हैं अभी जस्ट, और बारिश में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी तो थोड़ा भीग गए, हल्का फुल्का आई थी, ज़्यादा तो नहीं आई, वहाँ के मौसम ऐसे ठंडा हो गया। और घर पहुंच चुके हैं और आज का ब्लॉग भी मैं इसी एंड कर रही हूँ, आप लोगों को हाई होप आज का ब्लॉग तो अच्छा लगा ही होगा, इसमें बहुत कुछ था देखने को, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स।